सो व्हाट इज अप गाइस, आज के इस वीडियो में अपन अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे एक जैकेट का जो कि मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से। काफी अच्छा जैकेट है और दोस्तों काफी ज्यादा सर्दी भी है इंडिया के अंदर, तो दोस्तों क्या इस सर्दी के लिए ये जैकेट कंफर्टेबल है या नहीं, तो दोस्तों करेंगे इसका रिव्यू अनबॉक्सिंग और दोस्तों इसकी जानेंगे क्वालिटी और प्राइस और क्या आपको ये परचेस करना चाहिए या फिर नहीं, तो सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ इसी जैकेट के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें यार, और वीडियो बने आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो कुछ अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप मेरे हाथ में देख सकते हैं ये जो जैकेट है कुछ इस कलर का आपको देखने को मिलता है, मैरून के साथ व्हाइट, व्हाइट के साथ आपको ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसको पहले ही मैंने जो भी इसमें पॉलीथीन वगैरह थी मैंने हटा दी, क्योंकि दोस्तों COVID-19 के रीजन से और थोड़ी सी वो गिल्ली हो गई थी, इसी वजह से मैंने पहले ही रिमूव कर दी है। बट दोस्तों अनबॉक्सिंग नहीं बना सके तो कोई दिक्कत नहीं, अपन यहाँ पर आपको जैकेट जरूर से बता देता हूँ, ऑनेस्टली रिव्यू कर देता हूँ आपके सामने कि आपको ये परचेज करना चाहिए या फिर नहीं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो यहाँ पर आपको जो कलर देखने को मिलता है वो मिलता है मैरून कलर के साथ व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन, उसके साथ साथ दोस्तों आपको बॉटम में देखने को मिलता है यहाँ पर ब्लू कलर, जो कि काफ़ी गजब का कलर यहाँ पर देखने को मिलता है, और लुकिंग भी काफ़ी गजब की यहाँ पर इस जैकेट की देखने को मिलती है। तो दोस्तों ऐसे में अगर बात करें दोस्तों इसके मटेरियल क्वालिटी के बारे में, तो दोस्तों काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है। अगेन दोस्तों इसमें पैरासीट फैब्रिक वाला जो पॉलिस्टर है वो यूज़ किया गया है, और दोस्तों ये सर्दी में काफ़ी अच्छा वर्क करता है, हवा अंदर की तरफ नहीं जाने देता है और काफ़ी अच्छी आपकी सर्दी रोकता है। बट दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई है कि थोड़ा सा लो मटेरियल यूज़ किया गया है उसी पैरासूट फैब्रिक पॉलिस्टर के अंदर, बट दोस्तों काफ़ी अच्छा है, जस्टिफिकेशन मिल सकता है आपको। अगर बात करें दोस्तों और भी इसके क्या क्या आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको जिप वाला पॉकेट देखने को मिलता है दोनों तरफ लेफ्ट और राइट के अंदर, उसके अंदर बात की तरफ बात करें तो सेम मैरून के साथ व्हाइट का कॉम्बिनेशन, व्हाइट के साथ आपको ब्लू का कॉम्बिनेशन पीछे की तरफ भी देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों स्लीव पर भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा शोल्डर के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा मैरून कलर, व्हाइट कलर, उसके बाद पूरा का पूरा आपको ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ग्रिप नहीं दिख रहे हैं, बट दोस्तों इसके अंदर आपको डेफिनेटली ग्रिप देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं ग्रिप हैं, जो कि काफ़ी अच्छा होता है इन जैकेट के लिए, हवा अंदर की तरफ पास नहीं होते हैं जब भी आप बाइक या फिर स्कूटी वगैरह कोई भी ड्राइव करते हैं, तो काफ़ी अच्छा जैकेट यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक थोड़ी सी लेफ्ट और राइट साइड में यहाँ पर वाइट कलर की एक ग्रिप दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रिप यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर के मटेरियल के बारे में, तो दोस्तों इसको अनजिप करते हैं, यहाँ से अनजिप करने के बाद अंदर की तरफ आपको देखने को मिलता है पॉलिस्टर का कपड़ा। बट दोस्तों ये थोड़ा सा कलर्ड पॉलिस्टर है, ब्लू कलर के अंदर थोड़ा इसमें कलर्ड कर रखा है, काफ़ी अच्छा है पॉलिस्टर। इसके ब्रांड का तो अभी तक कोई यहाँ पर नेम नहीं है, बट दोस्तों अलग ही पॉलिस्टर है और काफ़ी अच्छा है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर वही पिलो वाला जो तकियों के अंदर फोम यूज़ होता है वही फोम इसके अंदर यूज़ किया गया है। अदरवाइज़ दोस्तों अंदर की तरफ आपको कुछ ज़्यादा और भी देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर एक पॉकेट और देखने को मिलता है, अदरवाइज़ और भी ज़्यादा कुछ चीज़ इसमें देखने को नहीं मिलता है। इसकी जो सिलाई है यहाँ से हाथ से की गई हैं, जो कि काफ़ी अच्छी हैं, जिसको अपन तुरपाई या फिर रप्पू जो भी बोलते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं इसको, हमारे यहाँ राजस्थान में तुरपाई बोलते हैं इसको, तो दोस्तों ऐसे किया गया है। और यहाँ पर आपको अंदर की तरफ जिप के अंदर जिप के सहारे आपको ये मैरून कलर की यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो ये भी हैं ये आपको मैरून कलर के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर आपको कैप भी देखने को मिलती है, कैप यहाँ पर आप देख सकते हैं वही कैप है, काफ़ी अच्छा जैकेट है। यहाँ पर कैप को यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं और वापस लगा भी सकते हैं, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा जैकेट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। लुकिंग वाइज कैसे देखने को मिलता है वो भी दोस्तों आपने पहले वीडियो के स्टार्टिंग में फ़ोटोज़ देख लिए होंगे, और आपको ज़्यादा और भी देखना है फ़ोटोज़ तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, तो मैंने सारे फ़ोटो अपलोड कर रखे हैं, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए और फ़ोटोज़ वगैरह देख सकते हैं कैसा लुकिंग में लगता है ये पहनने के बाद। अगर बात करें दोस्तों ओवरऑल इसकी रेटिंग के बारे में, इसकी प्राइसिंग के लिए हाथ से इसको रेटिंग करें और प्राइस की बात करें, तो दोस्तों 1150 रुपये के अंदर मैंने इसको परचेस किया है, वो भी फ्लिपकार्ट से। और दोस्तों अगर इसको मैं रेट करूं इसकी क्वालिटी प्राइस सारे के लिहाज से, तो दोस्तों इसको मैं 5 में से 4 पॉइंट दूंगा, क्योंकि दोस्तों इसकी थोड़ी सी क्वालिटी मेरे को डाउन लगी है और दोस्तों प्राइस काफ़ी ज़्यादा लगी है।
लिए। इसके अलावा मैंने दोस्तों काफ़ी ऐसे जैकेट्स के रिव्यूज़ करे हैं, वो 700-800 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएंगे। उनके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं और वीडियोज़ की लिंक यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होंगी। वो वीडियो देख कर आप वो जैकेट भी परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ दोस्तों लुकिंग के लिहाज से ये भी काफ़ी अच्छा है और दोस्तों क्वालिटी इतनी भी ख़राब नहीं है, काफ़ी अच्छा जैकेट यहाँ पर देखने को मिलता है। बस दोस्तों थोड़ी प्राइस के लिहाज से थोड़ा सा मेरे को डाउन लगा, अदरवाइज दोस्तों काफ़ी गजब का यहाँ पर ये भी जैकेट देखने को मिलता है। तो इसको परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी। और मुझे फॉलो करना ना भूलें इंस्टाग्राम पर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए ऐसे रिव्यूज़ वीडियो में लाता रहता हूँ। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।